हाँ जी बच्चों, तो आज की क्लासेस में हम कवर करेंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। आप अपने सामने स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से। इसको हम प्लांट कर्व भी कहते हैं और इसको हम एनवलप कॉस्ट कर्व भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े डिटेल में आप समझिएगा और आज आपका कॉस्ट का चैप्टर पूरी तरीके से वाइंड अप हो जाएगा। सबसे पहले आप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, अपने लास्ट क्लासेस में जो आपने एवरेज कॉस्ट के बारे में समझा था, जनरली आपने मार्जिनल कॉस्ट के बारे में समझा सबसे पहले कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। पहले आपका डिमिनिशिंग होता है, उसके बाद फिर मार्जिनल कॉस्ट आपका इंक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि फेस वन में आपको रिटर्न्स टू अ स्केल में स्टार्टिंग में आपका जो आउटपुट लेवल है पहले से ज्यादा मिलता है, आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है। आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिलने की वजह से आपका पर यूनिट कॉस्ट क्या आ जाता है, कम हो जाता है। आपका आउटपुट लेवल पहले से ज्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं आप, तो जिससे प्रोडक्शन लेवल जितना ज्यादा आपका होता रहेगा सेम कॉस्ट में, तो पर यूनिट कॉस्ट आपका रिड्यूस होता चला जाएगा। और एक टाइम, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स टू स्केल, आपको याद है रिटर्न्स टू स्केल, पहले आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है। इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब नेक्स्ट लेबर आएगा, अगर इस लेबर ने 4 यूनिट प्रोडक्शन कराए तो नेक्स्ट लेबर 6 यूनिट प्रोडक्शन करेगा, उससे नेक्स्ट लेबर 8 यूनिट का प्रोडक्शन करेगा, हर नेक्स्ट लेबर पहले से ज्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि वर्क डिवीजन होता है, वर्क स्पेशलाइजेशन आता है, फिक्स फैक्टर का बेटर यूटिलाइजेशन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, जब आप अपने स्केल बड़ा करते हो तो उसके कुछ इकोनॉमिक्स, मतलब कुछ फायदे, जब आप अपना स्केल बड़ा करते हो तो उसको आपको कुछ फायदा मिलने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कमरा रेंट पे लो और रहो, देखो आपको कितना खर्चा आता है, और एक पार्टनर और ऐड कर लो, फिर देखो खर्चा आपका कितना आएगा, कम हो जाएगा। क्यों? रेंट बढ़ जाएगा, आपका फिक्स कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा। पहले अकेला आपको किराया देना पड़ता था, अकेला आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ रहा था। अगर आप एक की जगह दो पार्टनर हो जाएंगे तो आपका कमरा तो उतना ही यूज होगा और फैन भी आपका। हेलो हेलो हेलो, फैन भी आपका वही यूज होगा, लेकिन अब जो कॉस्ट है वो क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। एक और आप पार्टनर को ऐड कर लेते हैं तो आपका कॉस्ट और रिड्यूस हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या रहता है कि आपका जब भी नेक्स्ट यूनिट का नेक्स्ट लेबर आप इंट्रोड्यूस करते हो तो आपका प्रोडक्शन पहले से ज्यादा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं। और ये इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों हमें मिल रहा है, क्योंकि हमें कुछ फायदे पहुंचते हैं। फायदे, कुछ फायदे में कौन कौन सा, जब आप नेक्स्ट लेबर लाते हो तो वर्क डिवीजन होता है। नहीं समझ में आया आपको, पूरा डिटेल में समझिएगा, एक सेकंड में पॉज करके कल इनका आंसर कर दो। हेलो, हाँ जी बच्चों, ध्यान से समझिएगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व आज की क्लास का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम एनवेलप कॉस्ट भी कहते हैं और प्लांट कॉस्ट कर्व भी हम इसको कहेंगे। अब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या है, इसको आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। बच्चे, आपका एक छोटी सी फैमिली है, दो लोग हैं, हस्बैंड और वाइफ मान के चलिए, तो वो अगर आप उनको देखोगे तो अगर वो खाना बनाते हैं तो कुकर का साइज उनका छोटा होगा। क्यों? बड़ा कुकर लेके वो क्या करेंगे, उसको हीट होने में टाइम लगेगा, उसके लिए गैस अननेसेसरी ज्यादा यूज होगा, उनकी कॉस्टिंग ज्यादा आएगी। इसलिए वो क्या करेंगे, दो लोग ही हैं हस्बैंड और वाइफ, तो एक छोटा सा कुकर, इस टाइप के बर्तन वो लेंगे, जिससे कि उसका कॉस्ट जो है कम रहे। हमेशा प्रोड्यूसर का मोटिव यही रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, कोई भी फॉर्म हो। आप भी कोई बिजनेस करेंगे, आप भी एज अ प्रोड्यूसर रहेंगे, तो आप इसी कोशिश में रहेंगे कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, ज्यादा ज्यादा आप लाभ कमा सके वहां से। अब प्रॉफिट मैक्सिमम होता कैसे है, आप अपने कॉस्ट को कम से कम करेंगे तभी आपका प्रॉफिट ज्यादा ज्यादा होगा। मान लीजिए ट्यूशन से मुझे 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मेरे कुछ खर्चे भी हैं ट्यूशन में, अगर मैं अपने कॉस्ट को थोड़ा और रिड्यूस कर दूं तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, है ना। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का मोटिव हर प्रोड्यूसर का होता है, और इस एम को अचीव करने के लिए हर प्रोड्यूसर की यही कोशिश रहती है कि वो अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करे, कॉस्ट को कम से कम करे। जितना कम कॉस्ट होता चला जाएगा उसका प्रॉफिट उतना ज्यादा
बढ़ता चला जाएगा। ये बात आपको समझ में आई कि कॉस्ट मिनिमम होने से प्रॉफिट मैक्सिमम कैसे होता है? क्लियर है बच्चे? तो आपको अपना कॉस्ट को मिनिमाइज करना है अल्टीमेट अपने मोटिव को अचीव करने के लिए। ये बात तो कंफर्म हो गई है। मोटिव क्या आपका? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है एज अ प्रोड्यूसर। और वो मोटिव अचीव कैसे होगा? अपने कॉस्ट को आप मिनिमाइज करेंगे। तो हर लेवल पर आप यही कोशिश रहेंगे कि मैं जो भी यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा हूं कम से कम कॉस्ट पे इसका प्रोडक्शन मैं कम कर पाऊं। इसलिए मैंने एग्जांपल लिया कि एक छोटा परिवार हस्बैंड और वाइफ का, वो खाना बनाने के लिए अगर एक कुकर लेते हैं तो छोटे साइज का कुकर लेंगे, बड़े साइज का कुकर नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें उनको हीट होने में और गैस का नेसेसरी वेस्टेज होगा, उनमें कॉस्ट ज्यादा आएगी, तो छोटे साइज का कुकर लेंगे। इसी तरीके से एक फर्म भी जब वो छोटे लेवल पे होता है, स्मॉल लेवल पे होता है, तो वो छोटा प्लांट लगाता है और एक टाइम के बाद वो प्लांट का साइज जैसे जैसे बिजनेस का स्केल बढ़ता चला जाता है, आउटपुट लेवल उसको बढ़ाना होता है, ज्यादा प्रोड्यूस करना होता है, तो धीरे धीरे अपने प्लांट का साइज भी वो बड़ा करने लग जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अब वो हस्बैंड वाइफ के परिवार में मान लो उनके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, अब बच्चे भी हो गए, परिवार बड़ा हो गया, अब उस कुकर में खाना बनाने में उनका कॉस्ट ज्यादा आएगा। क्यों? एक बार खाना बनाएंगे, फिर दोबारा कुकर में चढ़ाएंगे, फिर दोबारा बनाएंगे, ऐसी रहने वाला है। छोटा साइज का है, एक बार में बन नहीं पाता 7-8 लोगों के लिए खाना, तो एक बार 2-3 लोगों का बनेगा, फिर दोबारा से 2-3 लोगों का वो बनाएंगे, तो कुकर 2 बार यूज होगा, 2 बार गैस जलेगी, तो उसका लागत ज्यादा नहीं हो जाएगी। तो वही जो स्मॉल प्लांट उसके वो पहले बेनिफिट दे रहा था, अब वही स्मॉल प्लांट जब ज्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करोगे तो कहीं ना कहीं उसके कॉस्ट को बढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं जरूरत है कि उसको कुकर को चेंज कर करके बड़ा कुकर लेने का। इसलिए प्लांट भी आप अपना क्या करोगे, चेंज करोगे एज अ फर्म। पहले छोटे प्लांट से शुरू करोगे, जैसे से आपका यूनिट का प्रोडक्शन होगा तो आप क्या करोगे, उस प्लांट को चेंज करके उससे बड़ा प्लांट ले लोगे, और अब अपना जो प्रोडक्शन है दूसरे प्लांट के थ्रू आप करोगे, और आपका स्केल बड़ा होगा, प्लांट आप फिर से चेंज करोगे। इसी को हम कहते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को आगे लेके चलेगा। कैसे लेके चलेगा, एग्जांपल से समझते हैं, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, आपका एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ठीक है बच्चे? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है, इसको हम ये बने। तो सबसे पहले और एक आपके पास में एक और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 2। आपको पता है ना एवरेज कॉस्ट का कर्व यू शेप का होता है, क्यों होता है? उसके पीछे मैं पहले बता चुका हूं यू शेप का क्यों होता है, वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है, उसके पीछे क्या क्या रीजन और चीजें होती है अच्छे से मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको समझा दिया, आप उन क्लासेस को देख करके अच्छे से समझ सकते हैं, उस पर दोबारा जाने की नीड नहीं है, पर यू शेप का होता है। अब आप यहां पर आप इस बात को जरा समझने की आप कोशिश करें कि मान लीजिए आपको ये कॉस्ट है और यहां पर आपका आउटपुट है, बच्चे मान लें कि आपको ओ ए लेवल का, आपको ओ ए क्वांटिटी आपको प्रोड्यूस करनी है, डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी, आपको ओ ए क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना है, तो आप अगर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1 पे रहोगे तो आपका कॉस्ट इतना आएगा, और अगर आप 1 पे रहोगे, अगर आप 2 पर आप काम करोगे, सेकंड प्लांट अगर आप यूज करोगे तो सेकंड प्लांट इसी यूनिट का प्रोडक्शन करने में सेकंड प्लांट पे कॉस्ट आपका, देखिए ये फर्स्ट वाले कर्व को टच कर रहा है ना, फर्स्ट वाले प्लांट को इतना कॉस्ट आ रहा है, यही आउटपुट लेवल पे सेकंड वाला प्लांट हो गया ना, ये आपका देखिए सेकंड प्लांट है ना, कॉस्ट इतना आ रहा है। अब बताइए अगर आप ओ ए लेवल प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप कौन सा प्लांट यूज करना आपके लिए बेटर है, प्लांट 1 या प्लांट 2? प्लांट 1, क्योंकि प्लांट 1 पे आपका कॉस्ट कितना आ रहा है, प्लांट 1 को टच होते हैं यहाँ पे जाइए, और प्लांट 2 के लिए कॉस्ट कितना रहा, ज्यादा, और एज अ प्रोड्यूसर आप तो अपना कम कॉस्ट चाहेंगे ना, तो इस समय तो आप प्लांट ए पे ऑपरेट करेंगे। क्लियर है? इस समय कौन से प्लांट पर ऑपरेट करेंगे, प्लांट ए पे आप अपना जो है अपने यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद अगर आपको
ओ ए लेवल से ज्यादा प्रोडक्शन करना है, मान लीजिए बी लेवल का प्रोडक्शन करना है आपको, मान लीजिए ये आपका जो है बी लेवल, बी लेवल का प्रोडक्शन करेंगे तो आपका प्लांट ए पे, प्लांट ए यहां यूज हो रहा है, प्लांट ए यूज हो रहा है, इतना कॉस्ट आएगा। और प्लांट टू पे कॉस्ट कितना आएगा आपका, इतना कॉस्ट आएगा। तो बताइए ओ बी लेवल प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा प्लांट यूज करोगे आप? प्लांट टू पे कॉस्ट कम आएगा, क्योंकि प्लांट वन अगर आप यूज कर रहे हो तो प्लांट वन को देखो यहाँ टच कर रहा है, और प्लांट टू को टच ये यहाँ कर रहा है, तो प्लांट टू को कॉस्ट कम आएगा। तो एक टाइम के बाद आकर के आप अपना प्लांट चेंज करके प्लांट टू का आप जो है एस्टेब्लिश करोगे, और प्लांट टू से अपने यूनिट का प्रोडक्शन करवाओगे, क्योंकि कॉस्ट आपका प्लांट टू से कम आएगा। इसी तरीके से आप आगे आप चलेंगे तो सेम आपका ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू रहेगा कि आप यहां पर अभी तक तो प्लांट टू पे ही रहोगे, यहां पर भी कौन से प्लांट पे रहोगे, कौन से प्लांट पे रहोगे, प्लांट टू पे। प्लांट थ्री तो भैया ज्यादा हो रहा है ना आपका, लेकिन जब आप आगे जाओगे अगर आपको ओ एम यूनिट का प्रोडक्शन करना है तो कौन सा प्लांट बेस्ट रहेगा? प्लांट ये प्लांट थ्री है, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व थ्री है, तो प्लांट थ्री आपके लिए बेस्ट रहेगा या प्लांट टू बेस्ट रहेगा? प्लांट थ्री बेस्ट रहेगा। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या फर्क है, आपके मन में ये सवाल है। तो शॉर्ट रन में क्या होता है कि एक चीज फिक्स रहती है, एक वेरिएबल रहता है। फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं मैं, तो शॉर्ट रन में क्या होता है कि आपका फिक्स कॉस्ट होता है, एक आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है। शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन की बात करता हूं मैं, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आज एक दो महीने की बात करूं, शॉर्ट रन मतलब कम समय की बात करूं, तो मेरा जो है रेंट तो फिक्स है, इतना ही जाने वाला है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता रहेगा। बट लॉन्ग रन की बात करूं तो लॉन्ग रन के अंदर लंबे समय में कुछ भी फिक्स नहीं है। 10 साल के बाद मैं ये नहीं कह सकता मेरा रेंट इतना ही जाएगा, या 1 साल के बाद मेरा रेंट इतना ही जाएगा, वो उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे, स्पेस में भी चेंजेस आ सकते हैं। तो लॉन्ग रन में सब कुछ, सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, तो लॉन्ग रन में फिक्स कुछ भी नहीं होता है। तो यहां पर आपके पास में शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट को आप लेकर के चलोगे, और इस तरीके से आपके पास में क्या बनेगा, आपका जो है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बन जाएगा। आप कैसे बनेगा सवाल ये है, तो ये वो भी देख लीजिए। आप है ना लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व भी कुछ इसी तरीके से बना लीजिए, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है बच्चे? और शॉर्ट रन का आप इस पे टच करके शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व बनाते जाइए, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। एक जगह ऐसा है जहां पे कि आपका लॉन्ग रन का मिनिमम और शॉर्ट रन का मिनिमम दोनों सेम ही होना चाहिए, दोनों का मिनिमम, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। क्लियर है बच्चे? तो इन सभी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम, इसके जहां पर भी ये टेंजेंट है, मिनिमम नहीं, जहां पर भी ये टेंजेंट है, उन सभी पॉइंटों को आपने कनेक्ट करा तो आपका क्या बन गया, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बन गया। ध्यान रखेंगे कि जब आप लेफ्ट साइड में हैं तो जब शॉर्ट रन आपका गिर रहा है तब टच करना है, जब गिर रहा है तब टच करना है, और एक जगह पर इन दोनों का मिनिमम क्या करेंगे, सेम रखेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम लेवल बोलते हैं इसको, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम लेवल। तो सबसे फर्म के लिए सबसे बेनिफिशियल क्या है, ओ की यूनिट का प्रोडक्शन करना, क्योंकि सबसे कम कॉस्ट वो यहीं पर अपना ला पाएगा, इससे कम कॉस्ट कहीं पर भी है, इसके अलावा यूनिट को घटा दे या इससे ज्यादा यूनिट का प्रोडक्शन कर दे। ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तब भी पर यूनिट कॉस्ट उसका बढ़ेगा, और कम यूनिट का प्रोडक्शन करेगा तब भी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ेगा। करके देख लेते हैं, देखिए अगर कम प्रोडक्शन करूंगा तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो रहा है उसका, बढ़ गया। ज्यादा करूंगा इससे तो भी क्या होगा, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गया। तो ओ क्यू लेवल क्या है इसका, ऑप्टिमम लेवल है, जहां पर वो उसको ओ क्यू लेवल का प्रोडक्शन करना चाहिए, जिससे कि उसका कॉस्ट क्या रहे, मिनिमम रहे। और आपका यहां पर लेफ्ट साइड में टच करेगा शॉर्ट रन के, और उधर देखिए कहां टच कर रहा है, राइजिंग साइड में टच कर रहा है,
ऐसे बना दोगे बिल्कुल आपका परफेक्ट डायग्राम बनेगा। और पहले आप लॉन्ग रन ही बना लिया करो, नहीं तो पहले शॉर्ट रन बनाओगे तो जोड़ते जोड़ते आपका टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा ये लॉन्ग रन। क्लियर है? और पहले इसका फॉल वाले पार्ट को आप टच करते जाइए बीच में, फिर राइजिंग पार्ट को वहां से टच करने इसके बाद शुरू कर दीजिए। क्लियर है बच्चे? जहां भी टच करना अगर आपको, तो राइजिंग पार्ट। क्लियर है बच्चे? राइजिंग पार्ट को टच करना है आपने। क्लियर है? तो ये आपके पास में क्या हो गया, शॉर्ट रन एवरेज का 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट क्या कर रहा है, सबको अपने अंदर रख रहा है, शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट को रख रहा है ना अपने अंदर सबको, तो इसको इसलिए एनवेलप कहते हैं, एनवेलप के अंदर चीजें रखते हैं ना, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एनवेलप कोस्ट। इसके और प्लांट भी है ना, ये प्लांट वन, प्लांट टू, प्लांट थ्री, इसलिए प्लांट कोस्ट कर भी कहते हैं इसको। क्लियर है बच्चे? ये बात समझ में आया आपको? तो आपका ये बेसिकली क्यों ऐसा हो रहा है, यू शेप का क्यों है, सवाल ये भी है कि ये आपका यू शेप का क्यों है। आपको इसके लिए समझना होगा इकोनॉमिक्स टू स्केल एंड डिस इकोनॉमिक्स टू स्केल, ये क्या होता है। सबसे पहले आपका लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर कुछ ऐसा बनाया ना, लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर बीच में एक जगह ऐसा है जहां पर कहीं ना कहीं कांस्टेंट है, स्थिरता है बीच में, है ना। देखिए बीच में, क्लियर है बच्चे? बीच में क्या है कि स्थिरता देखने को मिल रही है आपको यहां पे, इस वाले पार्ट में देखो, इस वाले पार्ट में देखो। एक बच्चे क्या होता है, इकोनॉमिक्स टू स्केल, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है फायदा, टू स्केल, स्केल बड़ा करने का फायदा। अब मैंने एक एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, एक कमरे में आप अकेला पर्सनल रहते हो, रेंट पे लेकर के आप रह रहे हो, तो उसके आपके अपने खर्चे आएंगे, लेकिन जब स्केल बड़ा करोगे, एक से दो लोग रहेंगे तो खर्चे क्या होने जाएंगे, कम होने लग जाएंगे, बहुत सारे फायदे मिलने लग जाएंगे। इसी तरीके से अगर एक वेरिएबल फैक्टर जब काम कर रहा है तो उसके उससे कुछ आउटपुट लेवल हमें मिल रहा है, उस पर हमें कुछ कॉस्ट आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं अपना स्केल बड़ा करूंगा तो मेरे बहुत सारी सेविंग्स और बेनिफिट्स मिलने मुझे लग जाएंगे। जैसे कि आप कह सकते हैं वर्क स्पेशलाइजेशन, वर्क डिवीजन, जैसे जैसे आप अपने स्केल बड़ा करोगे तो आप स्पेशलाइजेशन काम में आने लग जाएगा, कामों को आप बांट दोगे, उसका आपको बेनिफिट आपको फर्म को मिलेगा, जिससे कि आपको कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं कि जब स्केल आप अपना बड़ा कर रहे हो तो स्केल को बड़ा करने से आप उसके आपको कुछ फायदे मिल रहे हैं, उस फायदे को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स टू स्केल, स्केल बड़ा करने के बदले में कुछ फायदा मिल रहा है, इसकी वजह से मेरी लागतें क्या आ रही है, मेरी कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है। एक छोटा फर्म जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा, वैसे वैसे उसको उससे कुछ फायदे मिलने लग जाएंगे। एग्जाम्पल लिया था मैंने, एक फार्मर था, एक किसान लाया था काम करने के लिए, तो 4 यूनिट का प्रोडक्शन कर पाया, दूसरा किसान आया तो वो 6 यूनिट का प्रोडक्शन करके दे रहा था, क्यों, क्योंकि वर्क डिवीजन हो गया, स्पेशलाइजेशन आ गया, इसको स्केल बड़ा हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स टू स्केल बोलते हैं। जब इकोनॉमिक्स टू स्केल हमें मिलता है, मतलब बेनिफिट मिलता है अपने स्केल का बड़ा होने से, तो उससे हमारी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। क्लियर है बच्चे? और एक टाइम ऐसा आता है हमारे पास में कि डिस इकोनॉमिक्स टू स्केल होता है, कि जरूरत से ज्यादा अगर आपने अपना स्केल बढ़ा कर लिया आपने फिक्स फैक्टर कंपेटिवली, तो आपको उसके नुकसान मिलने लग जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस इकोनॉमिक्स टू स्केल, जो आपने डिमिनिशिंग रिटर्न, तो एक आपका इंक्रीजिंग रिटर्न था, इंक्रीजिंग रिटर्न पढ़ा है आपने, और आपने डिमिनिशिंग रिटर्न पढ़ा है, और आपने कांस्टेंट रिटर्न पढ़ा है आपने, कहां पे पढ़ा है आपने बताइए, इंक्रीजिंग रिटर्न मिलना, कांस्टेंट रिटर्न मिलना, डिमिनिशिंग रिटर्न मिलना, कहां पढ़ा आपने, रिटर्न टू स्केल में। इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों मिलता है, इकोनॉमिक्स टू स्केल की वजह से, डिमिनिशिंग क्यों मिलता है, डिस इकोनॉमिक्स टू स्केल की वजह से, और एक टाइम पर इकोनॉमिक्स और डिस इकोनॉमिक्स दोनों अपने आपको बैलेंस कर देते हैं, तो आपको जो रिटर्न है वो कांस्टेंट रेट से मिलता है। तो इसी वजह से इसको मैं ये भी कह सकता हूं, कुछ आपका इस तरीके से रहता है कि आपका इंक्रीजिंग रिटर्न आपको मिलता है, तो इसको तो ऐसे करें,
रिटर्न इंक्रीजिंग रहता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर रिटर्न आपका घटता है, ऐसे ही रहता है। तो जब आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है, फायदे आपको मिल रहे हैं, तो आपका कॉस्ट क्या होगा? कम होगा। जब कांस्टेंट रिटर्न मिलेगा तो आपका लगभग कॉस्ट बराबर रहेगा, जब आपका रिटर्न कम होने लग जाएगा तो कॉस्ट आपका बढ़ने लग जाएगा। तो ये रीजन होता है इसका यू शेप होने का। ये थ्योरी क्या कहता है पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं रिटर्न टू अ स्केल रिस्पॉन्सिबल है इसके यू शेप के लिए, यही वही रिस्पॉन्सिबल है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, इट शो द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हेन द ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। सारे फैक्टर्स क्या है इसके अंदर? वेरिएबल। इसमें लैंड और लेबर, हमने अभी शॉर्ट रन में तो भैया लेबर वेरिएबल फैक्टर होता है और लैंड फिक्स फैक्टर होता है शॉर्ट रन में, छोटे समय में। लेकिन जब हम लॉन्ग रन की बात करेंगे तो लॉन्ग रन के अंदर कुछ भी फिक्स नहीं है, लंबे समय में कुछ भी फिक्स नहीं है। लैंड में भी चेंज आ सकता है, लेबर में तो आ ही सकता है। तो दोनों ही सारे फैक्टर्स क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट शो द मिनिमम कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन द कैपेसिटी ऑफ द फर्म इज अ वेरिड। फर्म अपनी अपनी कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ाती है तो वैसे वैसे उसको किस कॉस्ट पे काम करना चाहिए उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। इट शो द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हेन द ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। अब यहां पर वही डायग्राम जो मैंने आपको बताया है उसी डायग्राम को इसमें जो है बनाया हुआ है। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो ये ऑप्टिमम आपके पास में है, यहां पर आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है, इसकी वजह से ये डाउन हो रहा है, डिक्रीजिंग रिटर्न की वजह से ये अप हो रहा है, कॉन्स्टेंट रिटर्न बीच में आपका रहता है। ये बातें बता बता चुका हूं मैं आपको। तो यू शेप क्यों होता है ये बताया मैंने आपको, रिटर्न टू स्केल की वजह से होता है। डिमिनिशिंग इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा तो आपका डाउन जाएगा, डिमिनिशिंग रिटर्न मिलेगा तो अप जाएगा। और आपका इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों मिलता है? रिटर्न टू स्केल की वजह से। क्लियर है? इकोनॉमिक्स टू स्केल। तो ये बातें ऑलरेडी डिस्कशन पहले भी हो चुकी हैं और अभी भी। इसको एनवलप कॉस्ट कर्व भी कहते हैं, एनवलप कर्व भी कहते हैं इसको। क्लियर है? अब कुछ न्यूमेरिकल में आपके हार्ट टाइट हो रहे थे, अब चैप्टर की थ्योरी पूरी खत्म हो गई है, अब कुछ न्यूमेरिकल आपका रह रहे थे, उस न्यूमेरिकल को आज की क्लासेस में आप पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। हाँ, रिवेन्यू होगा नेक्स्ट क्लासेस में, रिवेन्यू पढ़ेंगे हम। करो बच्चे इसको। डन। चलिए देखिए जरा बच्चे, सबसे पहले जिसका एवरेज है उसका टोटल भी तो पता होना चाहिए, तो आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा टीबीसी का, और आपके पास में एएफसी है तो आपको टीएफसी का ही बनाना है। क्लियर है? अब आप कोशिश करें कि कहीं पर भी आपको टीएफसी मिल जाए सबसे पहला। तो टीएफसी आपका एएफसी में कहीं कुछ दिया, 6 दिया हुआ है, तो 5 यूनिट का प्रोडक्शन करा और 6 यूनिट आपका पर यूनिट पे कॉस्ट आ रहा है, फिक्स कॉस्ट आ रहा है, तो 30 आपका टीएफसी आ गया। ये समझ में आया आपको कैसा है? एवरेज फिक्स कॉस्ट आपका कितना आ रहा है? 6 रुपए। 5 यूनिट का प्रोडक्शन करा, एवरेज गिवन होने का मतलब होता है कि सब पर आ रहा है इतना इतना, तो 6-6 रुपए कॉस्ट आ रहा है 5 यूनिट पे, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट है। जब एवरेज को मल्टीप्लाई करता हूं क्वांटिटी से तो उसी का टोटल आ जाता है, तो एवरेज को जब क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी का टोटल आ जाएगा, तो टीएफसी आ जाएगा। अब टीएफसी तो हर लेवल पे सेम ही रहता है, 30 30 30। ये आपका क्या है? टीएफसी है। और आपके पास में अब आइए फर्स्ट से, 0 से शुरू करते हैं। 0 लेवल पे आपके पास में जो टीसी होता है, और यहां पे भी आपका पैसे ये हिंट मिल रहा था आपको कि आपका क्वेश्चन या तो 0 से स्टार्ट होता है या तो आपका क्वेश्चन 1 से स्टार्ट होता है। और जब भी 0 से स्टार्ट होता है तो वहां पर आपको ये हिंट देता है कि भैया देखो टोटल कॉस्ट दे दिया है हमने, यही आपका फिक्स कॉस्ट है। जब 1 से स्टार्ट होता है तो आपका एमसी और टीबीसी आपका इक्वल होता है, तो 0 से स्टार्ट हुआ है आपका। अब इस पे एबीसी क्या आएगा? तो आपके पास में 0 लेवल पे तो किसी का भी एवरेज हो, किसी का भी मार्जिन हो, वो आपका हमेशा नॉट डिफाइंड रहता है, ये बात लिखवा चुका हूं मैं आपको। और 0 पे आपका जो है टीवीसी आपका 0 रहता है जब
ये बात तो लिखवा चुका हूं मैं एक ही पेज पे। अब फर्स्ट यूनिट का प्रोडक्शन करा है तो क्या दिया हुआ है, एमसी, एमसी मतलब फर्स्ट यूनिट पे इतना कॉस्ट आया है, तो अब तक और फर्स्ट यूनिट पे आपका एमसी और टीवीसी क्या होता है, सेम होता है ना, फर्स्ट यूनिट पे एमसी और टीवीसी, और टीवीसी और टीएफसी से आप क्या बना सकते हो, टीसी 50, और आपके पास में ये आपके पास में 20 हो गया, और एवरेज फिक्स कॉस्ट तो 30 को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 30 आएगा। क्लियर है बच्चे? अब यहां पर गिवन क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा, टीसी टोटल कॉस्ट पता है, टोटल फिक्स कॉस्ट पता है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट 38, टोटल कॉस्ट में से फिक्स वाला कॉस्ट माइनस कर दोगे तो जो रेस्ट ऑफ कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट है। अब आपके पास में एएफसी, तो टीएफसी आपके पास में कितना है, 30 है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट आ गया। एमसी तो एडिशन इन टीवीसी कितना आपका 18, और उसके बाद आपके पास में एबीसी, तो टीवीसी को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आया आपका 19। आसानी तो है। अब इस पे क्या गया मन आपका टीसी, और आपके पास में ऑलरेडी टीएफसी तो है ही, तो आपके पास में कितना बचा 54 आपके पास में क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट। अब आपसे एमसी निकालना है तो चेंज इन टीवीसी, तो कितना आपके पास चेंज आया, कितना चेंज आया बच्चे आपका 16, और एवरेज फिक्स कॉस्ट 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10। अब आइए गिवन क्या है मेरे पास में, मेरे पास में गिवन है एमसी, तो इस तरफ फोर्थ यूनिट पे 18 का कॉस्ट है, और अब तक का कितना आ चुका है तीनों पे 54 का, तो कितना हो गया आपका 72, चारों पे कितना आ गया 72, और आपका टोटल कॉस्ट कितना बनेगा इन दोनों से 102, और एबीसी तो आप टीवीसी को डिवाइड करो 4 से, 4 18, और आपका एएफसी तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 28, 4 5 20। अब सिमिलर यहां पर आपके पास में, आपके पास में यहां पर एबीसी गिवन है, तो एबीसी से आप क्या निकाल सकते हैं, टीवीसी तो 95, और चेंज इन टीवीसी 23, ये आपका पूरा रिजल्ट रहेगा। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया, बहुत न्यूमेरिकल करवा चुका हूं कॉस्ट के ऊपर। चलिए क्वेश्चन और करें, फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट है तो यहां पर एक हिंट क्या मिलेगा आपको, हाँ तो टीवीसी गिवन है तो एमसी आ गया, टीवीसी से एबीसी तो वैसे भी आप निकाल ही सकते हो, ये तो आसान है। डन, चलिए डन बच्चों, देखिए जरा आपके पास में फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट हो रहा है तो आपको एक ही हिंट मिलता है, टीवीसी और एमसी इक्वल है, जब टीवीसी है तो एबीसी तो निकाल ही सकते हो, जिस चीज का एवरेज निकाल रहे हो उसके यूनिट से टोटल के यूनिट को डिवाइड कर दो। अब आपके पास में एबीसी है और यूनिट तो 2 ही होगा, 2 3 4 कंटिन्यू ही होता है, मतलब आपका एवरेज गिवन हो तो उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो उसका टोटल आ जाएगा। अब टीवीसी है और एबीसी तो डिवाइड करोगे 9, एमसी एडिशन इन टीवीसी तो कितना है आपका 11, और टीवीसी एबीसी ये तो बहुत आसान था बच्चे, इसमें कुछ करना ही नहीं था। अभी भी जो बच्चा सोच रहा है कि कैसे हुआ था, तो कुछ नहीं आता, करिए अच्छा रिवेन्यू का क्वेश्चन आ गया इसमें। करो इसको, डन बच्चों देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट है तो वहीं इसका टोटल होना चाहिए ना हमारे पास में, टीएफसी
एवरेज वेरिएबल को उससे टोटल होना चाहिए। अब मेरे पास है फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट यूनिट पे आपको सबसे पहले एएफसी दिया हुआ है, तो एएफसी एवरेज फिस्कोस 120 है, टोटल फिस्कोस कितना होगा आपका 120। क्लियर है बच्चे? अब हर लेवल पे टोटल फिक्स कॉस्ट आपका 120 ही रहेगा, उसको टोटल फिक्स कॉस्ट पता लग जाए, उसको कंप्लीट आप फिल कर लीजिए। हाँ जी, आपको क्या निकालना है? एमसी। तो फर्स्ट यूनिट पे आपका टीवीसी 120 और कुछ गिवन है? नहीं गिवन है। एवीसी से टीवीसी निकल जाएगा, कितना है आपका 40, 40 है ना आपका एवरेज को उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया करो, उसका टोटल आ जाता है। और फर्स्ट पे जो आपका टीवीसी होता है वही आपका एमसी होता है, ये बात आपको पता है। यहां पर आते हैं, आपको एमसी चाहिए, तो एमसी बेसिकली आपका 120 टोटल कॉस्ट है। अब आपके पास में क्या क्या गिवन है, आपके 56 आपका एबीसी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 क्या आएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल फिक्स कॉस्ट और ये है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब यहां पर आपको फाइंड क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट बस, तो एडिशन इन टीवीसी, कितना एडिशन हुआ आपका 60 और ये 70, 72। क्लियर है बच्चे? यहां पर गिवन क्या, उसमें फोकस कीजिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 150 और 12, 162 क्या आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और चेंज कितना आया इसमें 50, तो वो आपका एमसी हो गया। और एएफसी 120 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, 40 एवरेज निकालना है, तो टोटल इसके फिक्स को डिवाइड कर दीजिए। अब आपके पास में क्या है एमसी, तो एमसी आपके पास में 162 है, तो टीवीसी में जब एमसी जोड़ते हैं तो आपका टीवीसी का आपका पता लग जाएगा चारों पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है, तो 4 ऐड करेंगे तो 6, 5 ऐड करेंगे 11 और ये 216। और यहां पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे 4 से 4 पंचे 20, 4 चौक 16। इसी तरीके से आपके पास में क्या गिवन है, यहां पर कुछ भी गिवन नहीं है, तो कुछ तो होना चाहिए। फोर्थ यूनिट तक ही आप निकाल पाएंगे, फिफ्थ में आपको ये सब निकालने के लिए कुछ कुछ आपको गिवन होना चाहिए। जो टीएफसी गिवन है आपके पास में और एएफसी बस निकाल सकते हो आप, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20। और टीवीसी नहीं है जो आप एबीसी निकालोगे, और टीवीसी नहीं है जो कि आप एमसी निकालोगे। क्लियर है? यहीं तक आएगा, कुछ कुछ टाइप करना भूल गया होगा, टाइपिस्ट होगा जरूर, वो टाइप करना कुछ भूल गया एक इन्फॉर्मेशन। क्लियर है बच्चे? तो ये आपका कोस्ट का न्यूमेरिकल था, सफिशियंट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को करवा दी है। एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कोस्ट की थ्योरी करवा दी है, रिलेशनशिप करवा दिया है। नेक्स्ट क्लासेस में आपका जो है हम रिवेन्यू टॉपिक को कवर करेंगे।